नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज बात होगी 26वें नक्षत्र की, उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और इसकी उपस्थिति मीन राशि में होती है। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट मीन राशि में अगर आपका चंद्रमा है तो आप उत्तरा भाद्रपद में जन्मे व्यक्ति हैं। और सिंपल कर देती हूं आपके लिए, अगर आपने अपनी जन्म पत्रिका देखी उसमें चंद्रमा जो है वो मीन राशि में है और उसकी डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से ऊपर है और 16 डिग्री 40 मिनट से नीचे है, इस बीच में है, तो आपका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। ये जान लेना बहुत ही सहज और सरल है। उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है द ब्लेस्ड वन, मतलब जो कि ब्लेस्ड है, जिसके ऊपर कुछ ईश्वरीय अनुकंपा है, इसका मतलब होता है ये ब्लेसिंग एक तरह से। और इसका जो सिंबल होता है वो कॉट का दूसरा पिछला भाग जो है वो होता है। और ये भी माना जाता है कि ये जो जो कॉट दिखाई देती है वो फ्यूनरल की जो कॉट होती है या जो मृत्युशैया होती है उसके दो पिछले पैर होते हैं, ऐसा इसका सिंबल शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसके जो डीटी होते हैं, जो देव होते हैं, वो नाग देव होते हैं, अनंत नाग, जिन्होंने सारी सृष्टि को अपने फन के ऊपर उठा रखा है, वो आपके डेटी बनते हैं। आप विष्णु की आराधना भी कर सकते हैं, आप शिव की आराधना भी कर सकते हैं, लेकिन आपके जो देव हैं वो नाग हैं। और एक और बात है जो मैं खास करके उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए बताऊंगी कि आपके लिए मतलब गुड फॉर्च्यून, विजडम और हैप्पीनेस, ये तीन बातें आपके जीवन में जरूर दिखाई देती हैं। आपको अपने जीवन में अच्छी बुद्धि, हैप्पीनेस और फॉर्च्यून यानी कि किस्मत भी आपका साथ देती रहती है। अब बात होगी कि आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्या नेचर होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि आपके पास एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और काम करने वाली एक एनर्जी है। मतलब जब आप लोगों से मिलते हैं तो उनको लगता है कि बहुत एक कामिंग एनर्जी, शांत करने वाली और एक रिफ्रेशिंग एनर्जी लेकर आप उनके सामने आए हैं। आप देखने में जितने शांत और ऐसे लगते हैं लेकिन दिमाग आपका काफी मैनिपुलेटिव है, विजडम है आपके पास, तो आप चीजों को मैनिपुलेट करना भी अच्छे से जानते हैं। देखिए, शनि का नक्षत्र है और बृहस्पति की राशि है, तो आपके जीवन में, आपकी हॉरोस्कोप में शनि की पोजीशन बहुत मायने रखती है। उत्तरा भाद्रपद में मैंने खास करके देखा है कि यदि शनि पॉजिटिवली प्लेस्ड होते हैं आपकी हॉरोस्कोप में, मतलब अगर शनि की पोजीशन अच्छी होती है तो आपके गुण कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। और अगर शनि की पोजीशन नेगेटिव होती है या शक्तिहीन शनि होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी एकदम कुछ अलग ही होती है। लेकिन मैं आपको दोनों तरह के ही ट्रेट्स बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपका शनि किस तरह का होगा। तो शनि की जो स्ट्रेंथ है, जो पोजीशन है, अगर आपकी उसमें अच्छी है, ताकतवर है, तो आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स देखेंगे। कौन कौन से पॉजिटिव ट्रेट्स होंगे आपके अंदर? विजडम, बुद्धिमानी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसको आप कहते हैं, विल पावर, कभी भी गिव अप नहीं करना, ऐसा एटीट्यूड आपके पास होता है, नेवर से नो, ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर होता है। और आप अपने एक्सपीरियंस के लिए, आप अच्छी पर्सनालिटी के लिए, आप अपने अच्छे कर्मों के लिए समाज में पहचाने जाते हैं। और अगर कहीं, और आप बहुत एडेप्टेबल होते हैं, मतलब आपके अंदर रिजिडनेस नहीं होती है, आप अपने सिद्धांतों को तो बहुत मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के सिद्धांतों से मतलब राजी ना हो या अपने को बदलने के लिए राजी ना हो। अगर पॉजिटिव शनि है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो ये ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे।
आप काफी अट्रैक्टिव होंगे, आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट होगा और आप दूर दृष्टि संपन्न होंगे, फार साइटेड। मतलब आपको हर चीज प्लानिंग करने से पहले आप आगे का सोचेंगे और फिर प्लान करेंगे। पर्सनालिटी बहुत ही बढ़िया होती है और आपको लोग एक अच्छी पर्सनालिटी वाले, एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक के रूप में भी जानेंगे। अगर आप थोड़े से मतलब शनि अगर नेगेटिवली प्लेस्ड होगा या अच्छा नहीं होगा तो आप अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होगा आपका, आप स्टबन हो सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर का मतलब होता है अप्रत्याशित व्यवहार, कब आप किस तरह से व्यवहार कर जाए किसी को समझ नहीं आएगा। आप थोड़े से स्टबन होंगे, अपने कामों को लेकर एक जिद ठानेंगे और चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो भी नेगेटिव सेंस में। तो आपके अंदर भी विजडम है लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं रिजिडिटी के आगे, जिद्दीपन के आगे थोड़ा सा दबा देंगे। आप भी बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, मतलब आपकी विल पावर तो शनि देता ही है, तो वो भी होगा लेकिन पॉजिटिव होगा तो आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करेंगे, नेगेटिव होगा तो आप अपनी विल पावर को, मे बी आपने यही जिद ठान ली कि पता है ये आदत मेरी खराब है लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। सो यही एक फर्क पड़ जाता है और आप कहते हैं मेरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। सो हर नक्षत्र में ग्रह जो उसका मालिक है उसकी पोजिशन बहुत मैटर करती है हॉरोस्कोप में। आप अप्रत्याशित व्यवहार करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, आप पार्शियल होते हैं। अगर शनि अच्छा प्लेस नहीं है तो आप पार्शियल होते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, पर अगर शनि अच्छा होता है तो आप समभाव रखते हैं, मतलब आपके लिए सब बराबर है, आप किसी का फेवर नहीं करते, आप केवल और केवल न्याय का साथ देते हैं, जस्टिस, न्याय को पसंद करते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, रीजनेबल और रैशनल बात करते हैं पॉजिटिव शनि वाले लोग, और अगर नहीं है तो फिर आप इरेशनल बात करते हैं और आप रीजनेबल बात थोड़ी कम करते हैं, वोलेटाइल बिहेवियर या गुस्सा होता है, पल में खफा हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब आप नाराज हो जाएंगे। ओवरऑल आप दयालु, लॉजिकल, कैलकुलेटिव, न्यायप्रिय, बाल सुलभ इनोसेंस, मतलब बच्चों की तरह मासूम होते हैं कई बार आप, आपका इनर कोर काफी साफ होता है, अनुभव से सीखते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं अपनी बातचीत से, और नेगेटिव ट्रेट जो कॉमनली देखे हैं वो गुस्से के दौरे पड़ना, कभी कभी आप अप्रत्याशित रूप से गुस्सा हो जाते हैं, और अगर नेगेटिव शनि होगा तो आप आलसी भी होंगे, आपके अंदर लेजीनेस भी देखी जाएगी और आपका अपने इमोशंस पर और अपने बिहेवियर पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। किस तरह के करियर को आप चूज कर सकते हैं, मैंने ऊपर जैसा कि पहले आपको बताया कि आप अनुभव से सीखते हैं, एक्सपीरियंस आपकी लर्निंग बनता है, तो आपके लिए सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि बिजनेस में बहुत जरूरत होती है अनुभव से सीखने की, बिजनेस मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, जज या वकील बन सकते हैं। जज भी हमेशा अपने अनुभव से ही आगे बढ़ते हैं, वकील भी अपने अनुभव से आगे बढ़ते हैं, तो आप ये सब काम कर सकते हैं। जज, वकील, काउंसलिंग, एनजीओस चला सकते हैं या एनजीओस में काम कर सकते हैं, सोशल सर्विस में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, हीलर, मंक, साधु संत भी बन सकते हैं आप, मिस्टीक हो सकते हैं, मतलब कुछ अलग ही तरह की ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ऑकल्ट जानने वाले हो सकते हैं, लाइब्रेरियन हो सकते हैं, इंपोर्टर हो सकते हैं। शनि और बृहस्पति का प्रभाव है तो ऑकल्ट या एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे लोग कभी कभी सीख लेते हैं। रिलेशनशिप आपके कैसे होते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस भरपूर होती है। देखिए अब आपकी हॉरोस्कोप में अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है साथ में घर पर, तो जनरली ये प्रेडिक्शंस जनरल होते हैं,
तो जनरली आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो हैप्पी होती है, आपका जो स्पाउस है वो काफी केपेबल होता है और वो जीवन को बहुत सुचारू रूप से चलाता है, रिलीजियस होता है और आपके जितने भी कस्टम्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करता है, आपके बच्चे काफी अच्छे और आज्ञाकारी होते हैं और आपके डिसिप्लिन को मानते हैं। आप अधिकतर अपने घर से जहां पैदा हुए हैं वहां से दूर बसते हैं। बचपन में अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपको पिता से ज्यादा प्रेम नहीं मिलता। हेल्थ कैसी हो सकती है आपकी? आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़े से केयरलेस एटीट्यूड रखते हैं, ये ठीक नहीं है। आलस से आपके अंदर भले ही ना हो लेकिन हेल्थ के मामले में आप आलसी हो जाते हैं। वर्कआउट वगैरह कीजिए, अच्छा रहेगा। रूमेटिक पेन, हड्डियों का दर्द, एक्यूट इंडाइजेशन मतलब खाना अपच जिसको आप कहते हैं, उसकी शिकायत हो सकती है। टीबी हो सकती है, हार्निया हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, तो बेसिकली पेट से, यानी कि जो पेट से लेकर और नीचे तक का भाग है, जांघों तक का भाग है उसको कह सकते हैं और फिर टीबी का कह सकते हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए आप प्रोन हैं। आप अगर थोड़ा सा वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो ये पेट की समस्याएं आपकी ठीक हो सकती है। अब जो माइन्यूट अंतर होते हैं, जो जो छोटे छोटे अंतर पर्सनालिटी में होते हैं एक ही नक्षत्र में जन्मे लोगों के, वो हम कैसे जानते हैं? नक्षत्र का पद जानकर। तो अगर आप उत्तरा भाद्रपद के पहले नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपके आसपास एक रॉयल एयर होती है, मतलब एक राजसी ऑरा आपके आसपास होता है, एम्बिशियस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर दूसरे पद में जन्मे हैं तो आप यंग लुकिंग होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और आपके पास सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। आप एक क्विक लर्नर हैं और आप लर्न करने के लिए हमेशा तैयार भी हैं, सीखने के लिए तैयार भी होते हैं। थर्ड, तीसरे पद में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप हैप्पी हैं, मतलब खुश हैं, खुश मिजाज हैं, ओपन माइंडेड हैं, वार्म हार्टेड हैं, मतलब जिंदा दिल इंसान हैं और अपने शब्दों को बहुत केयरफुली चुनकर बोलते हैं। ये खासियत आपके अंदर आप देखेंगे। चौथे पद में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप शार्प माइंडेड हैं, माइंड आपका बहुत शार्प है, इरिटेबल हैं थोड़े से, मतलब लोगों को वो अपनी बातचीत से, अपने मैनिपुलेशन से कुछ इरिटेट भी करते हैं लोगों को और आप जीवन में सरल रास्ते ढूंढते हैं, मतलब आप बहुत हार्ड वर्क से बचते हैं और आप शॉर्टकट, इजी रास्ते जीवन में सफलता के लिए ढूंढते हैं। ये थी मेरी एनालिसिस उत्तरा भाद्रपद वाले नक्षत्रों के लिए, नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों के लिए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है, पर मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, मेरी बात को ज्यादातर लोगों के पास पहुंचाएं। आप लोग ही ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।